नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का IAS पीसीएस बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, NCERT डेमो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज आप लोगों का सरकार एवं उसके अंग भाग दो पर चर्चा करेंगे और आपको हर एक पहलुओं से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले क्लासेस में क्या क्या जान लिया था इसको बताने के तत्पश्चात हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों, हमने आपसे राज्य क्या है, मतलब कि आपको मैंने अपने पिछले क्लासेस में राज्य, देश और राष्ट्र में एक अंतर बताया और आप सभी को क्लियर हो गया। मैंने बताया राज्य के लिए चार तत्व जरूरी है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और यहीं पर ये क्लियर किया कि अगर ये चारों तत्व उपस्थित है तो उसे हम स्थिर राजनीतिक प्रणाली का नाम देंगे कि उस देश में स्थिर राजनीतिक प्रणाली है। ये मैंने आपको बेहतर ढंग से क्लियर किया। और राज्य राजनीतिक विज्ञान में इसका प्रयोग होता है, कहां पर? राजनीतिक विज्ञान में। देश एक भौगोलिक इकाई है, देश राज्य एक राजनीतिक इकाई है, मैंने कल के डेट में बताया। और देश एक भौगोलिक इकाई, भौगोलिक इकाई है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है जिसमें एक इमोशन होता है, जिसमें एक इमोशन होता है, लगाव होता है। सांस्कृतिक इकाई शब्द। जब आप राज्य के अंतर्गत, मैंने आपको यह बताया कि इनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित है तो उसे हम अस्थिर राजनीतिक प्रणाली कहेंगे, लेकिन चारों तत्व मौजूद है तो उसे स्थिर राजनीतिक प्रणाली कहेंगे। जब आप संविधान को देखते हैं तो संविधान के अंतर्गत तीन जगह राज्य दिखाई देता है, तीन जगह चर्चा में। पहला, जब आप भाग तीन आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं तो वहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है। दूसरा, जब आप भाग चार आर्टिकल 36 DPSP पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पर भी राज्य के विषय में बताया गया है। और यहां दोनों जगह राज्य के विषय में सरकारी तंत्र बताया गया है। क्या बताया गया है? सरकारी तंत्र। और वही भाग छह जब पढ़ते हैं तो वहां पर राज्य का अर्थ प्रांत के रूप में किया गया है, जिसका एक राज्यपाल होता है। तो दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। फिर उसके बाद हमने आपको राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के विषय में बताया, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के विषय में बताया और इसके हर एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा विमर्श किया और आपको हर एक पॉइंट क्लियर किया। आपको मैंने बताया कि राजनीति का उद्देश्य जन सेवा से है और राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति, जिसका अर्थ है शासन करने की नीति से। राइट, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और राजनीति यह बताता है उचित समय में उचित तरीके से कार्य करने की कला, जब देश को जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज की जरूरत आप पूरा करें। राजनीतिक सिद्धांत पे मैंने बताया
कि राजनीतिक सिद्धांत उन व्यवस्थित विचारों और नीतियों को कहते हैं जिनसे हमारा सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। प्लस राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटिकल प्रश्न होते हैं, उन पर तर्कसंगत ढंग से सोचने और जो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम है उनको सही तरीके से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को बताता है। फिर उसके बाद हमने आपको राजतंत्र और एक लोकतंत्र में अंतर बताया, जहां पर दोनों में अंतर सत्ता को धारण को लेकर, सत्ता को धारण को लेकर, जहां पर राजतंत्र में आप देखेंगे तो सत्ता को धारण राजा किया है और लोकतंत्र में सत्ता को धारण जनता ने किया। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में इसके आगे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति हो, तब ये और मजेदार क्लास होगा और हर एक पॉइंट पर आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। चलिए सभी लोग अब तैयार है, हम अब आज अपने क्लास को आगे लेकर चलते हैं और आपको अब मैं समझाऊंगा। ये सब क्लियर हो गया, अब आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, यह जानना बेहद जरूरी है, संविधान और राज्य व्यवस्था। मैंने कल के डेट में आपको बताया था कि जब आप मेरे प्रिय साथी संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो संविधान दोस्तों ये आपका सिद्धांत है और अक्सर इसका जो प्रश्न है वो प्रीलिम्स में आ जाता है, प्रीलिम्स में। लेकिन राज व्यवस्था आपका व्यवहार है और राज व्यवस्था से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न यूपीएससी या स्टेट पीएससी में बनते हैं वो अक्सर मेंस में बनते हैं, मुख्य परीक्षा में, मेंस में। तो दोस्तों यहां पर पहली चीज तो हमें जानना है कि संविधान क्या है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान क्या है। दोस्तों संविधान के अंतर्गत आप सभी लोग कुछ पॉइंट को नोट करिए। तो दोस्तों संविधान यह सुनिश्चित करता है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान समाज में शक्ति के मूल के वितरण को भी स्पष्ट करता है, संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, संविधान समाज में निर्णय लेने की शक्ति, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा, किसके पास होगा तथा सरकार का जो निर्माण है वो कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा कैसे होगा
यह तय करता है, यह सब कौन तय करता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ यह सब कौन तय करता है। तो यह सब संविधान तय करता है, संविधान तय करता है, संविधान ही सरकार के जो तीन अंग है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसकी स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीन अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है, एवं उनके अधिकार और शक्ति शक्तियों और को परिभाषित करता है। यह सब कौन तय करता है? संविधान। राइट दोस्तों, यह सब कौन तय करता है? संविधान। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो बताऊं कि जो आपका संविधान है वह देश में क्या क्या, भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों की झलक, इन तीनों की झलक किसमें दिखाई देती है? तो संविधान में दिखाई देती है। संविधान में आपको भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों की झलक दिखाई देती है। राइट दोस्तों, तो अगर मैं कहूं कुल मिलाकर संविधान जो होता है, कुल मिलाकर संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है, जिसके अनुसार किसका संचालन होता है? सरकार का संचालन होता है, संचालन होता है। यह देश के राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। ठीक है, अब दोस्तों जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में
ये संविधान की प्रस्तावना जो है इसे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू मतलब कि जवाहरलाल नेहरू साहब संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। किसके? संविधान सभा के समक्ष ने प्रस्तुत किया और फिर उसके बाद इसको सभी लोग कमेंट करके बताओ कितने 47 मतलब कि कितने तारीख को इसको सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया संविधान की प्रस्तावना को। सभी का कमेंट आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताओ 13 दिसंबर 1946 को मैंने बता दिया कि प्रस्तुत हुआ लेकिन कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभी लोग कमेंट करके बताओ और थोड़ा सा सेशन को शेयर करो मेरे प्रिय साथी, ऐसे नहीं चलता है। सेशन को शेयर करो, जो ऐप पे क्लास ले रहे हैं सब यूट्यूब पे आ जाओ, सभी लोग यूट्यूब पे आ जाओ तो और मजा आएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करें, बेहतरीन। आप सभी का कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। मैं पूछा प्रश्न कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, तो अब मुझे ही बताना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं पता है। चलिए सभी लोग कमेंट करें। गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग कल्याणी। ये तो मैं भी बता दिया कि 1947 को इंडियन आर्मी डेट झूठ प्रजापति गलत कर दी। मोहम्मद नदीम बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद नदीम का बिल्कुल सही जवाब 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार किया। कब? 22 जनवरी 1947 सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक है, अब जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में जब आप हम भारत के लोग, .. ये दर्शाता है कि संविधान के शक्ति का स्रोत कौन है। तो दोस्तों संविधान के शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। राइट, अब दोस्तों मैं इस वक्त संविधान के विषय में बता रहा हूं आपको कि संविधान क्या है। तो कानून कौन बनाएगा ये तय कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। शक्ति के मूल वितरण को कौन स्पष्ट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा ये कौन तय कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार का निर्माण कैसे होगा ये कौन तय कर रहा है? संविधान। और सरकार के तीन अंग जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, इनकी स्थापना और इनके अधिकार और शक्ति को परिभाषित कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सभी लोग बताएं यहां तक क्लियर है? सभी का कमेंट आना चाहिए, यहां तक क्लियर है सभी लोग? सभी लोग बताएं, वेरी गुड, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? सभी लोग बताएं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं सभी का देख रहा हूं कमेंट, आप सभी का मैं कमेंट देख रहा हूं, देखते हैं कि कौन कौन सही कर रहा है। चलिए
बेहतरीन, सभी का कमेंट मैं देख रहा हूं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग क्लियर है, बेहतरीन। अब आगे चर्चा करें, सभी लोग क्लियर है, और थोड़ा सा सेशन आप लोग शेयर करिए ताकि और लोग उपस्थित हों। आप लोग इन सब चीजों में बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे तो और लोगों को जानकारी होगी और लोग क्लासेस में आएंगे, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि एक बड़ी संख्या लोगों की उपस्थिति हो, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर, वेरी गुड, बेहतरीन। तो ये सब कौन तय कर रहा है? संविधान। और संविधान देश में भूत, वर्तमान और भविष्य, मतलब कि जो भूत, वर्तमान, भविष्य की झलक आप देखना चाहते हैं तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है या देश के राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। इसीलिए आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत देश का संविधान एक लिखित संविधान, ठीक है। अभी उस पर भी आता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। अब दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना ने बताया कि संविधान के शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप संविधान की प्रस्तावना में ही, यह आपका परिचय पत्र है मेरे प्रिय साथी, संविधान की प्रस्तावना। और दोस्तों, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को यहां पर तीन शब्द जुड़ा। वो तीन शब्द कौन कौन से थे? तो पंथ निरपेक्षता, आपका समाजवाद और अखंडता। और दोस्तों, पंथ निरपेक्षता से यह क्लियर हुआ कि कभी भी अगर धर्म ग्रंथ, कभी भी अलग अगर धर्म ग्रंथ और संविधान, इन दोनों के बीच अगर कोई तुलना की जाती है, इन दोनों के मध्य तुलना में कौन सर्वोपरि होगा? तो सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, तुलना में कौन सर्वोपरि होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग वेरी गुड, सभी का आ गया है, सभी लोग बेहतरीन, सभी लोग बताएं, वाह। तो सर्वोच्च कौन होगा? संविधान। तो धर्म ग्रंथ और संविधान, इन दोनों के मध्य की तुलना में संविधान सर्वोच्च होगा। हमने आपको ये भी बता दिया, संविधान के महत्व को हम डिटेल में बता रहे हैं, प्लस हमारे भारत देश में, भारत में लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान और जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी। तो दोस्तों, अब आप सभी को संविधान समझ में आ गया। अब आपको कहीं पर दिक्कत, अब आप लोग काफी हद तक
बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब दोस्तों संविधान दो प्रकार का होता है, संविधान दो प्रकार का, एक आपका लिखित संविधान और एक आपका अलिखित संविधान। लिखित संविधान का तात्पर्य क्या हुआ? लिखित संविधान का तात्पर्य हुआ कि जिसका अधिकांश भाग, जिसका अधिकांश भाग किसमें हो, लिखित लेख के रूप में लिपिबद्ध, लिखित लेख के रूप में लिपिबद्ध हो, ठीक है, वो आपका लिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या है? तो जिसका अधिकांश भाग लिखित लेख में न हो, जिसका अधिकांश भाग लिखित लेख में न हो, लेख में न हो, उसे हम अलिखित संविधान कहेंगे। अगर एग्जाम्पल आप मांगेंगे तो उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि मूल संविधान में आप देखेंगे कुल 395 अनुच्छेद, यह बताता है कि हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान था। लेकिन जब आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो अगर आप एग्जाम्पल लें अलिखित संविधान की, तो ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान प्रथा और परंपराओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो प्रथा और परंपराओं पर, और परंपराओं पर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, सभी लोगों को क्लियर हुआ? तनु गुड मॉर्निंग, बहुत लेट आप लोग हो गए, और आप लोग क्यों आज बड़े कम संख्या में हैं? क्या शेयर आप लोगों ने वीडियो को नहीं किया है? कम से कम आप लोग एक बड़ी संख्या में क्लासेस में उपस्थिति हो, ठीक है। अच्छा, काश इंडिया का संविधान रिटन ना होता तो आज हमें पढ़ना ना होता, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब है, काश काश ही होता है कि नहीं? अब है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? चल, सभी लोगों को क्लियर हो गया है? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक आपको दिक्कत कोई परेशानी, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? चल, अब दोस्तों हम लोग समझते हैं संविधान को, हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है, हमने इसके एक एक पहलुओं पर आपको बेहतर ढंग से चर्चा विमर्श कर दिया। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों राज व्यवस्था, और एक अंतर निकालते हैं तुलना के साथ, संविधान और राज व्यवस्था में एक तुलना के साथ अंतर निकालते हैं और एक एक पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं। देखिए, समझिए दोस्तों, यहां पर अब हम लोग समझेंगे कि एक और आपका संविधान है, और एक और आपका राज व्यवस्था,
दोस्तों संविधान जो है वो सिद्धांत है, संविधान वो सिद्धांत है और राज व्यवस्था व्यवहार है। कहते हैं कि जैसा सिद्धांत होता है वैसा व्यवहार होगा, कहते हैं कि जैसा सिद्धांत होता है वैसा व्यवहार होगा, जैसा सिद्धांत होता है वैसा व्यवहार होगा। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार ऐसा नहीं हो पाता है, समय और परिस्थिति के अनुसार ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि जैसा सिद्धांत है वैसा व्यवहार हो जाए। और इन्हीं के कारण संविधान और राजव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। अब ये अंतर हमें समझना होगा कि कैसा अंतर है, ये अंतर अब हमें समझना और बेहतर ढंग से। और आप सभी लोग कमेंट करके भी बताना कि यस सर यही यही आप बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। तो दोस्तों संविधान अगर आप देखेंगे तो दोस्तों संविधान में कुल, अगर मूल संविधान की मैं बात करूं, किसकी, मूल संविधान की, मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और दोस्तों 22 भाग और 8 अनुसूचियां, अनुसूची ये बताता है कि हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है जिसके अधिकांश लगभग सभी भागों को लिखित लेख के रूप में लिपिबद्ध किया गया, ठीक है, लिखित लेख के रूप में दिखाया गया है। अब दोस्तों यहां पर अब हम समझते हैं संविधान और राजव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंतर, संविधान और राज व्यवस्था में अंतर। और आप सभी लोग बहुत साधारण तरीके से इसे समझना, राज व्यवस्था में अंतर, और अब आप सभी लोग हमें बताना। फर्स्ट पॉइंट, संविधान लिखित एवं पूर्ण है, संविधान क्या है, लिखित एवं पूर्ण है, लिखित एवं पूर्ण है। लेकिन लेकिन आप 75 वर्ष की राज व्यवस्था को देखेंगे तो 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। 75 वर्ष की राज व्यवस्था को देखेंगे को देखेंगे 100 से अधिक क्या हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। तो यह संविधान और राज व्यवस्था में एक प्रमुख अंतर हुआ, बहुत महत्वपूर्ण अंतर हुआ। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करिए। दूसरा, हमने किस लोकतंत्र को अपनाया है, कल के डेट में आपको मैंने बताया था हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। कैसे लोकतंत्र को अपनाया है, तो हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, संसदीय संविधान के अंतर्गत
हमने संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है, संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है। लेकिन राज व्यवस्था क्या कहता है? लेकिन राज व्यवस्था के अंतर्गत यदि असाधारण बहुमत की स्थिति में स्थिति में कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। जैसे मैं कहूं, आप सिंपल तरीके से समझना, दोस्तों संसदात्मक लोकतंत्र हमने आपको बताया, सरकार के तीन अंग, एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, दूसरा लेजिस्लेचर विधायिका, तीसरा ज्यूडिशरी। अब इसमें हम देखेंगे संसदीय लोकतंत्र, संसदात्मक को। तो संविधान के अंतर्गत हमने संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है, ठीक है। अच्छा, संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है जिसमें कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। अपनाया है जिसमें, यहां पर रुक जाइए, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, बस लिख दे रहा हूं। हमने क्या अपनाया है? संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है जिसमें जिसमें विधायिका क्या करती है? विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन असाधारण बहुमत की स्थिति में कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। अब इसी को हमको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, अगर आप लोग समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आप संविधान को बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे, बहुत ही सिंपल। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति हो। अब देखिए, समझिए बहुत सिंपल तरीके से। आइए, अब दोस्तों हमने सरकार में किसको अपनाया है? संसदात्मक शासन व्यवस्था को, जिसमें सरकार के तीन अंग, एक और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका, ज्यूडिशरी। अब दोस्तों जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा।
एग्जीक्यूटिव का दो प्रधान होता है, एक नाम मात्र का, एक नाम मात्र का प्रधान जिसको आप सभी लोग राष्ट्रपति कहते हो, और एक वास्तविक प्रधान, एक वास्तविक प्रधान जिसे पीएम कहते हो और उनकी मंत्रिपरिषद। लोकसभा का बहुमत दल का नेता पीएम होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था कहता है कि लोकसभा में पीएम को अपना बहुमत बनाए रखना पड़ता है, तो इस आधार पर विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है। लेकिन जैसे ही लोकसभा से अगर पीएम का बहुमत समाप्त हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, और उसी दौरान कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करता है। तो सभी लोगों को क्लियर हुआ? सभी लोगों को क्लियर हुआ एक बार कमेंट करें। यही बात आपको मैंने यहां सेकंड पॉइंट में लिखा, सभी लोग आसान शब्दों में समझे। तो संविधान ये है, लेकिन राज व्यवस्था क्या है दोस्तों? तो ये राज व्यवस्था है, ठीक है ये। और दोस्तों संविधान ये है, लेकिन राज व्यवस्था क्या है? ये, ठीक है ये। अब दोस्तों संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे हमने किस शासन व्यवस्था को अपनाया है? संघात्मक शासन व्यवस्था को, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें जिसमें केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य सरकार का अलग 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 स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। अच्छा, संघात्मक शासन व्यवस्था तो सिंपल तरीके से बता दिया, संघात्मक शासन व्यवस्था बता दिया कि जिसमें जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। किंतु दोस्तों राज व्यवस्था क्या कह रहा है? किंतु राज व्यवस्था कह रहा है, राज व्यवस्था कह रहा है कि केंद्र सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, राज्य सरकार को क्या कर सकती है? बर्खास्त कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। अगर मैं यहां पर आर्टिकल बताऊं तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, ये आपका राज व्यवस्था है, ये आपका राज व्यवस्था है, लेकिन ये आपका संविधान है, राइट? अब दोस्तों जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के अंतर्गत ये बातें लिखी गई है। चौथा, जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? आर्टिकल 16 बतला रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, इसमें लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता की बात कहा गया, कि समता की बात कहा गया है। किंतु राज व्यवस्था जब आप पढ़ते हैं, किंतु जब आप राज व्यवस्था देखते हैं तो राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण की नीति, राज व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण की नीति क्या बतला रहा है? आरक्षण की नीति यह बतला रहा है राज व्यवस्था, आरक्षण की नीति।
सभी लोगों को समझ में आया? संविधान और राज व्यवस्था में एक अंतर आपको क्लियर हुआ? सभी का कमेंट आना चाहिए, संविधान और राज व्यवस्था में एक अंतर आपको क्लियर हुआ? एक जो महत्वपूर्ण डिफरेंस निकल कर आ रहा है, सभी को क्लियर हुआ? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि जैसा सिद्धांत होगा वैसा व्यवहार होगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, और ऐसा अंतर इसलिए किया गया है ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार हम स्वयं को बदल सके, स्वयं को बदल सके। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। और कुछ अंतर को आप देखना चाहेंगे तो दोस्तों आइए, आर्टिकल 19 जब आप संविधान पढ़ते हैं, तो संविधान में आर्टिकल 19 आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, राज व्यवस्था क्या है? अब राज व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो आप सभी को इस बात का अनुभव है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। तो अनुभव क्या है? कभी आप इलेक्शन को देखे होंगे तो चुनाव के डेट से, चुनाव के डेट से 48 घंटे पूर्व अधिमत को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अधिमत को क्या करता है? प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर से एक महत्वपूर्ण अंतर निकल कर आया, संविधान और राज व्यवस्था के अंतर्गत। फिर एक इंपॉर्टेंट अंतर है जो आप जानेंगे, फिर कहेंगे कि सर वाह, आप तो बहुत शानदार अंतर बता रहे हैं संविधान और राज व्यवस्था के अंतर्गत, हम तो इतना सोचे ही नहीं थे। तो छठवें अंतर में अगर आप आएंगे तो संविधान क्या कहता है? संविधान में ही जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 19 में ही लिखा है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता, भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध भ्रमण का अधिकार प्राप्त है, भ्रमण का अधिकार प्राप्त है। किंतु आप जब नॉर्थ ईस्ट के अनुसूचित जनजाति इलाके में जाते हैं तो वहां आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, क्या? किंतु किंतु राज व्यवस्था क्या कहता है? राज व्यवस्था यह कहता है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अनुसूची जनजाति क्षेत्र में भ्रमण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है।
परमिट की आवश्यकता पड़ती है और यही आपका राज व्यवस्था है। सभी लोगों को क्लियर हुआ? एक बार आप सभी लोग कमेंट करें। यहां तक अभी जो आपसे मैंने चर्चा किया सभी लोगों को क्लियर हुआ? हमने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण। हमने स्टार्ट कहां किया था? हमने स्टार्ट किया आपको संविधान क्या है और डिटेल में बताया। फिर आपको मैंने यहां पर अच्छे तरीके से आपको संविधान दो प्रकार के ये क्लियर किया। फिर संविधान और राज व्यवस्था में एक प्रमुख अंतर को आपको क्लियर किया, ठीक है? एक प्रमुख अंतर को क्लियर कर दिया। सभी लोग अब कमेंट करके बताएं, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताएं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? सभी लोग बताएं। बेहतरीन, वेरी गुड, बेहतरीन, वेरी गुड। तो दोस्तों सभी को मजा आया? सभी लोगों को मजा आया? एक बार आप लोग बताओ, सभी लोगों को क्लियर हुआ खूब अच्छे तरीके से, है ना? एक एक पॉइंट पर आपको मैंने हर एक पॉइंट पर डिस्कस किया, ठीक है? हर एक पॉइंट पे बस आप लोग शानदार तरीके से इन चीजों को नोट करिए और इन चीजों को समझिए। कल के डेट में आप लोगों से हम फिर और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और विमर्श करेंगे। तो दोस्तों सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, दोस्तों सभी लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों का एनसीईआरटी समग्र, जो अपने आप में पूरी समग्रता लिया है, दोस्तों 5999 का जो बैच था वो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 को मिल रहा है। और दोस्तों 17 दिसंबर सिर्फ ऑफर है, 17 दिसंबर ओनली, 17 दिसंबर मतलब कि आपका कल का डेट। और जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो गाइस ले लीजिए। दोस्तों जिस लेवल पर आप देख रहे हैं पढ़ाया जा रहा है, उस लेवल पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके फीचर में 600 प्लस घंटे क्लासेस, वर्कबुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्लास पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, मेंटोरशिप प्रोग्राम, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको सबसे बड़ी खूबी उत्तर लेखन, आपको उत्तर लेखन। और दोस्तों एनसीईआरटी टॉपिक लिंक विथ जीएस एंड करंट अफेयर्स, रेगुलर टेस्ट, इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजी। दोस्तों इतना सब कुछ आपको मिल, इतना सब कुछ, तो दोस्तों क्यों देर कर रहे हो? तुरंत फास्ट 999 आज ही ले लो, 17 दिसंबर। और दोस्तों ये अंदर की बात बता रहे हैं, फीस अब कम नहीं होगा। तो दोस्तों जिनको लेना हो वो फास्ट ले लीजिए, लेट ना करिए। आप लोग मेरे अपने हो, आप लोग आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इस बैच में ज्वाइन हो और हम आपसे मिलते हैं अब कल के लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।